अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, असातिज़ा हज़रात और वालिदैन। सबक के पिछले हिस्से में हमने संत श्री चक्रधर स्वामी और संत एक नामदेव एकनाथ के बारे में सुना। अब हम देखेंगे कि संत ज्ञानेश्वर की तालीमात और उन्होंने लोगों में किस तरीके से अपनी बात रखी। संत ज्ञानेश्वर ये औरंगाबाद जिला के एक गांव पैठन नामी गोदावरी नदी के करीब एक छोटा सा देहात अप्पे गांव में पैदा हुए। सोपान देव और नेवर्थी नाथ इनके दोनों भाई थे और इनकी बहन का नाम मुक्ताबाई था। संत ज्ञानेश्वर को वहां के पुराने ख्यालात के लोग सन्यासी की औलाद के नाम से कहा करते थे, क्योंकि उस जमाने में संत ज्ञानेश्वर कुछ वक्त के लिए उन्होंने संन्यास ले लिया था, लेकिन फिर उनके गुरु के कहने पर वो वापस आ गए और आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर करने लगे। लेकिन फिर भी लोग उनका मजाक उड़ाते। संत ज्ञानेश्वर सन्यासी के बाद भी उनको चार औलाद थी। लोगों को लगता कि सन्यासी तर्क करने के बाद ये सब गलत है, ये सब सही नहीं है, इसलिए लोग उनका हर वक्त मजाक उड़ाते, उनको अपनी बिरादरी से बाहर समझते। एक दिन संत ज्ञानेश्वर ने अपनी झोली लेकर भिक्षा लेने के लिए निकल पड़े। लोगों ने उन्हें भिक्षा देने से मना कर दिया, उनको बुरा भला कहा, उनका मजाक उड़ाया, उनको गालियां दी। इस बात का उनको बहुत बुरा लगा, उनका दिल टूट गया। वो अपनी झोपड़ी में आकर दरवाजा बंद करके रोने लगे और गमगीन बैठे थे। उस वक्त उनकी बहन मुक्ताबाई दरवाजा खटखटाया और कहा कि ज्ञानेश्वर दरवाजा खोलो, इस तरह रंज और गम से बैठकर कोई फायदा नहीं है, तुम अगर ऐसे बैठोगे तो काम नहीं चलेगा, इस दुनिया में भलाई का काम कौन करेगा, तुम ही को करना है। बहन की इस नसीहत ने ज्ञानेश्वर को हिम्मत दिलाई और वो लोगों को अपनी तरफ रागिब करने के लिए अदब मसावात और मोहब्बत और भाईचारे के लिए लोगों के साथ जुड़ गए। इस तरीके से उन्होंने लोगों में तालीमात देना शुरू किया। उनकी बहुत सारी किताबें लिखी हुई है। संत ज्ञानेश्वर एक वक्त में उन्होंने मराठी जबान में बोली जाने वाली किताबें लिखी। उस वक्त मजहबी रसूमात में किताबें लिखी जाती थी, लेकिन लोगों को समझ में आए इसलिए उन्होंने अपनी किताबों को मराठी जबान में लिखा, जो कि आज भी लोग कई सालों तक उनकी इन किताबों को पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें अदब मसावात, भाईचारा, एक दूसरे से अच्छे से सलूक करना। उन्होंने इसकी भी नसीहत की कि जो दुखी है उनके दुखों को दूर करो, लोगों के साथ अच्छे से सलूक करो, लोगों के साथ अच्छे से पेश आओ। कुछ वक्त के बाद वो अपनी तालीमात को लेकर पूना शहर के करीब आए और इस तरीके से उन्होंने पूना शहर के करीब आलंदी में अपनी समाधि ले ली। इस तरीके से लोगों के दिलों में आज भी उनके लिए मोहब्बत और भाईचारे की तालीम मौजूद है। आज भी लोग आलंदी हर साल उनके लिए जाते हैं। इसी तरह संत एकनाथ ने उनकी तालीमात को आगे बढ़ाते हुए अपनी काम शुरू किया। संत एकनाथ भी लोगों में भाईचारा, मोहब्बत और गरीबी को दूर करना चाहते थे। उन्होंने गरीब लोगों को, पसमानदा लोगों को अपने से करीब किया। वो चाहते कि लोगों के अंदर गरीबी दूर हो, लोग आपस में भाईचारे की तरह मिलकर रहे। लोगों के साथ साथ वो बेजुबान जानवरों से भी मोहब्बत और हमदर्दी करते और इसकी तालीम दूसरे लोगों को भी देते। एक वक्त दोपहर की चिलचिलाती धूप में वो नदी के किनारे नहाने के लिए पहुंचे तो वहां पे क्या देखते कि एक बच्चा तपती हुई धूप में रेत पर बैठा हुआ रो रहा है। उन्होंने उसके माँ बाप को आसपास देखा, वो कहीं नजर ना आए तो वो उसके पास जाकर उसको गोद में उठा लिया और उसके माँ बाप का पता लगाकर, उसके उनके घर का पता लगाकर उसको उसके घर पे छोड़ आए। यही थे हमारे श्री संत एकनाथ, जो कि लोगों से मोहब्बत और हमदर्दी रखते और लोगों को भी यही तालीम देते।